गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि रिक्वायरमेंट्स कितने टाइप्स की हैं। तो बेसिकली हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो टू टाइप्स की हैं। नंबर वन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड नंबर टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमने आपको बताया था, क्योंकि लॉन्ग टर्म के से रिलेटेड है तो कोई भी फर्म या इंस्टीट्यूशन कैपिटल मार्केट का रुख करेगा, और अगर हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट टर्म मार्केट यानी कि मनी मार्केट का वो रुख करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, क्योंकि प्राइमरी मार्केट हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर या जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब चीज़ें हैं, ये हमने इनको डिस्कस कर लिया था। अभी हम कैपिटल मार्केट को देखेंगे। स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब है सीधा सा शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जहां पर हम इनकी डीलिंग करते हैं उसको हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ये डिबेंचर और शेयर्स लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल से ज्यादा के लिए इनका फ्लोटेशन होता है, इसलिए इसको हम कैपिटल मार्केट में कंसिडर करते हैं। तो कैपिटल मार्केट को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर वन प्राइमरी मार्केट, नंबर टू सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो प्लेस जहां पर कोई भी सिक्योरिटी यानी शेयर्स फर्स्ट टाइम सेल होते हैं, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहेंगे। द प्राइमरी मार्केट इज नोन एज द न्यू इशू मार्केट, इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर फर्स्ट टाइम। द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स। The company can raise capital through the primary market in the form of equity shares, preference shares, debentures, loans and deposits. कोई भी firm, कोई भी company या कोई भी bank, जो भी institution है, वो primary market में equity shares, preference shares, debentures, loan and deposit के through funds raise कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि primary market में जो methods हैं floating के, वो कौन कौन से हैं। ये मेथड्स आपने देखे, नंबर वन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये प्राइवेट प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स हट चुका है, ये अभी सिलेबस में नहीं है, या ये सिस्टम ही हट चुका है, एक्चुअली प्राइवेट प्लेसमेंट ही हट चुका है। तो आइए देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स हैं। नंबर वन है, ये मेथड्स कौन कौन से हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, राइट इशू एंड इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट वो प्लेस है जहां पर शेयर्स एंड डिबेंचर्स की फर्दर सेल परचेज होती है, यानी फर्स्ट टाइम सेल परचेज होगी वो प्राइमरी मार्केट में होगी, और फर्दर सेल परचेज होगी वो सेकेंडरी मार्केट होगी, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इट इज मार्केट फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। इट इज द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में जो मेथड्स हैं फ्लोटिंग के, कौन कौन से हैं, नंबर वन स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, ओवर द काउंटर, अभी OTCEI हट गया है, ये OTCEI नहीं है, ये क्योंकि PPT पुरानी बनी हुई है, तो अभी आप इसको, ये आपके यहाँ है नहीं, अभी ये सिस्टम ही हट गया है। देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे पास है मेथड्स कुछ हैं फ्लोटिंग के। तो आइए देखें स्टॉक एक्सचेंज क्या है। A stock exchange is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities. यानी ये एक platform है जहाँ पर आप जो पहले से securities यानी shares, preference share हो या equity shares हो, इनकी sale purchase हो चुकी है, उनको हम further sale purchase stock exchange में करते हैं। According to the Securities Contract Act 1956, stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and selling or dealing in securities.
यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल्स बॉडी है जो किसी भी सिक्योरिटीज की, सिक्योरिटीज में हम शेयर्स को कंसीडर करते हैं, उनकी फर्दर सेल परचेज होती है, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी से मतलब उनको कैश में कन्वर्ट करना। स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बनाना मतलब कैश को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना और सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना। देन प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी यानी शेयर्स के रेट डिसाइड करना, जो सिक्योरिटी को हम शेयर्स भी कहेंगे तो सिक्योरिटीज के रेट्स डिसाइड करना। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स यानी ट्रांजेक्शन में सेफ्टी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि फंड्स जो जनरेट होते हैं वो कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में जब फंड्स आते हैं तो वो फंड्स फिर किसी भी कंट्री की ग्रोथ में लगाए जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाए जाते हैं, उसके डेवलपमेंट में लगाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होती है। देन प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स सट्टा। सट्टा वो जगह है या वो नाम है असल में जहां पर हम संभावनाओं को तलाशते हैं, यानी मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। जब भी आप शेयर्स की डीलिंग करेंगे तो आप इस उम्मीद में पैसे लगाएंगे कि शेयर्स के रेट इंक्रीज होंगे, ठीक है? तो ये जो है ये स्पेकुलेशन को लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे स्टूडेंट्स स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है? इससे आगे का फंक्शंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।